हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस वाला ब्रेक। तो हमारा ये करंट का टॉपिक है आसियान, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। होप आप लोग को ये क्लास पसंद आएगा और आप लोग भी घर पे अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और हमारे लिए किस तरह से ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं आसियान क्या है। तो हाल ही में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान के सदस्य देशों के लिए बैठक आयोजित की है। अभी हम देखेंगे आसियान में कितने देश सदस्य हैं। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और यह क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया के उपनिवेशी राष्ट्रों के तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता देने के लिए स्थापित किया गया है। तो इसमें इसकी स्थापना आसियान घोषणा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से देश हैं। इसके संस्थापक देश इंडोनेशिया, इसका सचिवालय भी इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके बाद इसमें कुछ और देश जुड़े हैं जो कि है बुनुई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो इसमें कुल मिला के 10 देश सदस्य हैं। पसंद आए हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।